हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 9 मई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी इस वीडियो की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड। हाल ही में किसने कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया है? स्टूडेंट्स, कहीं लिखने में थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं, उनको आप अवॉइड किया कीजिए। मैं उन मिस्टेक्स को बोल के करेक्ट करने की कोशिश कर लेता हूँ। तो हु रिसेंटली लॉन्च्ड कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड, तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। ही इज़ द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जिन्होंने अभी ये हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन डे था, 15th फाउंडेशन डे था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इस दिन इन्होंने ये मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया है, जिसका नाम है कोविड कथा। इस नाम से ये गाइड लॉन्च किया गया है और इसमें जो इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस चल रही है उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें कंसोलिडेटेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसमें इसके अंदर मौजूद है। और इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव मोड में इसको लॉन्च किया गया है, इस कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड को। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, इसके अंडर में ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1971 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच कंट्री सुरेश के रेड्डी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर। हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ब्राज़ील में। तो ये हैं सुरेश के रेड्डी, इनको ब्राज़ील का एम्बेसडर यानी ब्राज़ील का राजदूत नियुक्त किया गया है। स्टूडेंट्स, एम्बेसडर और कुछ कंट्रीज़ में एम्बेसडर भेजे जाते हैं और कुछ कंट्रीज़ में हाई कमिश्नर्स भेजे जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि एम्बेसडर कहाँ भेजे जाते हैं और हाई कमिश्नर्स कहाँ भेजे जाते हैं। वो कंट्रीज़ जो ब्रिटिश रूल के अंडर कभी भी नहीं रही हैं, तो वहाँ भेजे जाते हैं एम्बेसडर्स, यानी विच वर नेवर ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, वहाँ एम्बेसडर्स भेजे जाते हैं। और जो पहले कभी ब्रिटिश कॉलोनीज़ हुआ करते थी, जो ब्रिटिश रूल के अंडर रही हैं कभी, तो वहाँ भेजे जाते हैं हाई कमिश्नर्स। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च्ड आई फॉर इंडिया कंसर्ट। हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट के लिए ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है फेसबुक ने, आई फॉर इंडिया कंसर्ट लॉन्च किया है। तो आई फॉर इंडिया कंसर्ट ये क्या है? ये एक फंड रेजिंग कंसर्ट है जो इस वक्त इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फंड रेजर कंसर्ट है। और इसको इसलिए यूज़ किया गया टू हेल्प रेज द फंड्स फॉर इंडिया कोविड रिस्पॉन्स। और इसमें बहुत सारे लीडिंग एक्टर्स दर्शाए गए हैं, जैसे लीडिंग एक्टर्स लाइक सलमान खान, आमिर खान, देन म्यूजिशियंस, सिंगर्स जैसे एआर रहमान, देन स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी इस वक्त इंडिया के लीडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एंड लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स, वो तमाम इसके अंदर फीचर किए गए हैं इस आई फॉर इंडिया कंसर्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड एज पुलित्जर प्राइज 2020। हाल ही में 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के 3 फोटोग्राफर हैं, डार यासीन, मुख्तियार खान और चन्नी आनंद। तो इन तीनों को पुलित्जर प्राइज 2020 इस साल का मिला है और ये न्यूयॉर्क ने दिया जाता है और यूएसए इसको देता है और ये न्यूयॉर्क में दिया जाता है। तो इस साल जो है जम्मू एंड कश्मीर से इन तीन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तो डार यासीन ये कश्मीर से हैं, मुख्तियार खान भी कश्मीर से हैं और चन्नी आनंद ही इज़ फ्रॉम जम्मू। तो जम्मू एंड कश्मीर इस वक्त ये यूनियन टेरिटरी है, जिसको 31 अक्टूबर 2020 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और इस वक्त जिसके करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ही इज़ गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कुछ पर्सनालिटीज़ देखते हैं और उनके पॉपुलर नेम्स, उनको किस नाम से जाना जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। हज़रत बुलबुल शाह, इनको सैयद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान के नाम से जाना जाता था। ललेश्वरी ललित के नाम से जानी जाती थी। शेख अब्दुल्ला, इनको शेर कश्मीर कहा जाता था। हब्बा खातून, ही वॉज आल्सो नोन एज नाइट एंगल ऑफ कश्मीर।
प्रेमनाथ डोगरा, ही वॉज कॉल्ड एज पंडित जी। कुरेश अल्लाह रखा, कुरेशी अल्लाह रखा खान, ही वॉज ऑल्सो नोन एज उस्ताद अल्लाह रखा, या पूरी कंट्री में उसको अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है। एंड मादर मेहरबान बेगम अकबर जहान, बेगम अकबर जहान ही वॉज वाइफ ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और उनकी वाइफ बेगम अकबर जहान उनको मादर मेहरबान के नाम से वो पॉपुलरली नोन थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईरान्स न्यू करेंसी। ईरान में अभी हाल ही में नई करेंसी लॉन्च की गई है, तो उस करेंसी, इस नई मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका नाम है टोमन। पहले यहाँ रियाल था, अब यहाँ नई करेंसी आ गई है जिसका नाम टोमन है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं ईरान से रिलेटेड। ये है ग्लोब, ग्लोब के अंदर ये यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर है ये ईरान। कैपिटल यहाँ की तेहरान। सुप्रीम लीडर यहाँ के अली खामेनेई हैं। प्रेसिडेंट हैं यहाँ के हसन रूहानी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली स्टार्टेड मतकर फॉरवर्ड कंपेन। हाल ही में मतकर फॉरवर्ड कंपेन अभियान ये किसने शुरू किया है? तो ये किया है टिकटॉक ने शुरू। अभी लॉकडाउन में लोग बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये कंपेन लॉन्च की गई है। कंपेन टू अवेयर यूजर्स नॉट टू फॉरवर्ड फेक न्यूज़, तो ये लॉन्च किया है टिकटॉक ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। टिकटॉक ये एक मोबाइल ऐप है। टिकटॉक ए चाइनीज़ वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विस। इट वॉज डेवलप्ड बाई बाइटी डांस कंपनी, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जहांग यिमिंग। इसको सबसे पहले रिलीज़ किया गया था 2016 में, 3 years ago इन चाइना। उसके बाद वर्ल्ड वाइड में जब ये मर्ज हुई म्यूजिकल डॉट लाई के साथ, फिर इसको वर्ल्ड वाइड में रिलीज़ किया गया ऑन 2 अगस्त 2018। देन स्टेबल रिलीज इसका हुआ 31 मार्च 2020 को। तो ये है इसका लोगो यहाँ टिकटॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज विटनेस्ड ए हॉरिफिक टॉक्सिक गैस ट्रेजिडी ऑन 7 May 2020। 7 May 2020 को निम्नलिखित में से किस शहर में भीषण जहरीली गैस त्रासदी देखी गई? तो ये देखी गई है विशाखापट्टनम में। एक बहुत ही हॉरिफिक गैस ट्रेजिडी हुई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, तो इसको विजैक गैस ट्रेजिडी भी कहा जाता है। और यहाँ ये विशाखापट्टनम के अंदर एक एलजी पॉलीमर नाम का प्लांट है, एलजी पॉलीमर प्लांट है जिसमें स्टायरीन गैस मौजूद थी। तो ये स्टायरीन गैस लीक हो गई और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। ये स्टायरीन गैस देखते हैं ये क्या है। स्टायरीन ये एक केमिकल कंपाउंड है दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज न्यूरोटॉक्सिन। इसको इथाइल बेंजीन भी कहा जाता है, विनाइल बेंजीन भी कहा जाता है, फिनाइल इथीन भी कहा जाता है इसको। और इसका केमिकल फार्मूला C6H5CH2। और इसकी इनहेलेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में आ जाती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स जाहिर हो जाते हैं, जैसे अपर रेस्पिरेटरी इरिटेशन, बर्निंग चेस्ट हो जाता है, सेंसेशन चेस्ट कॉन्गेशन, वीजिंग, एयर हंगर एंड गास्पिंग, और मस्कुलर वीकनेस। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब ये गैस इनहेल हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस रिलेटेड मैंने तमाम फैक्ट्स मैंने यहाँ दे दिए हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियो बन जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर के साथ साथ एक यूनिक टेक्निक से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं लेकर आता हूँ, तो ये एक यूनिक वीडियो बन जाती है। इसलिए नई वर्ष से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब देखते हैं ये केमिकल प्लांट ये क्या है, ये जो जिसके बारे में अभी हमने बात की, एलजी पॉलीमर प्लांट। ये सबसे पहले इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1961 इन वेंकटपुरम विलेज ऑफ विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का एक विलेज है वेंकटपुरम, यहाँ 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय द नेम ऑफ हिंदुस्तान पॉलीमर। और इट मैन्युफैक्चर्स पॉलीस्टायरीन एंड इट्स पॉलीमर्स प्रोडक्ट्स, इनको ये मैन्युफैक्चर करता है। तो ये है पॉलीस्टायरीन विच इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पैकिंग पर्पसेस। उसके बाद 1961 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। देन 1978 में इट मर्ज्ड विद मैकडॉल एंड को। उसके बाद देन इट वॉज लेटर टेकन ओवर बाई साउथ कोरियन बेस्ड एल जी केमिकल्स विच रीनेम्ड इट एज एल जी पॉलीमर्स इंडिया इन 1997। तो उसके बाद ये इसको टेक ओवर किया
साउथ कोरियन कंपनी एलजी केमिकल्स ने, और इसका एलजी पॉलीमर इंडिया नाम रखा गया 1997 में। तो ये विशाखापट्टनम में ये ट्रेजिडी हुई। तो विशाखापट्टनम देखते हैं ये कहाँ, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, स्टेट आंध्र प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश और इस जगह है ये विशाखापट्टनम। तो यहाँ ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई है। तो स्टूडेंट्स ये तमाम आज के करंट अफेयर्स थे और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने डिस्कस किए। मुझे उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। आप कमेंट किया कीजिए आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।